वेलकम टू माय नाइट स्नैकिंग सेशन होता है, सो वेलकम टू इट। आपको हमेशा क्या पता है कि गारंटी होता है कि जब आदित्य का मिडनाइट स्नैकिंग सेशन होता है तो बहुत मजे आते हैं, बिकॉज आई कम अप विद दिस जो इसका कुछ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस होता है, वो कम्फर्ट फूड भी होता है, वो टेस्टी भी होता है और बहुत ईजी टू मेक होता है। बहुत कम लोगों को पता होता है कि उसको बनाना कैसे है, एंड देन व्हेन दे गो टू फाइंड आउट कस्टमर्स, तब उस टाइम पे हमें लगता है कि हम लोग बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड करते हैं। तो वैसी एक चीज हम बनाने वाले जो आपके टिप्सर भी है, पूरे जो यूथ जनरेशन है इनके लिए बहुत अच्छी है, सिर्फ दे विल आयरिश चीज बॉक्स। तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट हमारा हीरो होता है ये ऐसा बड़ा पोटेटो। और मैं आपको और एक चीज बताना चाहता हूँ कि इसका नाम ऐसा क्यों होता है भाई, आयरिश चीज बॉम्ब ऐसा क्यों नाम होता है इसमें। तो देखिए क्या होता है ना कि आयरलैंड की जो कंट्री है, तो वहाँ पे कैसा होता था, बहुत ठंडे एक प्रदेश हो गया कि कुछ भी कोल्ड एरिया, वहाँ पे एक फसल बहुत अच्छी थी होती नहीं थी, बहुत कम लोग वहाँ पे सर्वाइव कर पाते थे। और फिर हमारी होती थी आयरिश फार्मिंग जो बहुत फेमस है कि बहुत लोग हमारी होती थी एक जमाने में, उस टाइम पे हीरो बन के पोटेटो आया। तो पोटेटो कैसा होता है, जल्दी से कूक जाता है, ईजीली कूक जाता है, धीमी कंडीशन होती है, तो और पोटेटो एक बहुत अच्छा होता है कार्बोहाइड्रेट्स पेट भर जाता है, इसलिए फिर मेजर्स होते गए कि मैश पोटेटो जो एकदम एक क्लासिक डिश है, बहुत एक जिसको हम कह सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल इट्स अ फाइन डाइनिंग डिश, तो वैसा ये डिश इस मेन्यू के हिसाब से पड़ेगा कि आयरिश चीज। सबसे पहले बनाने के पहले आपको एक बार एक रेसिपी बता देता हूँ। अभी देखिए ये तो कच्चा पोटेटो है हमारा, ये जब इसको हम अच्छे से बॉईल कर लेते हैं या फिर आप इसको बेक कर लेते हैं, दैट इज व्हेन वी स्टार्ट द रियल मैजिक। इसके अंदर बहुत सारी फिलिंग जाती है, मैं आपको बताऊंगा। मैंने ऑलरेडी एक प्री कुक करके रखा हुआ है, उसको थोड़ा ठंडा होने के लिए रखा है, इफ़ यू गाइस कैन सी। देखिए इसके साइज देखिए, इट्स वेरी ह्यूज कंपेयर टू माय हैंड, इफ़ यू गाइस कैन सी इट्स वेरी ह्यूज, इट्स नॉट अ नॉर्मल पोटेटो, इट्स अ वेरी ह्यूज पोटेटो। अब इसके अंदर जो फिलिंग्स जाती हैं तो इसके बारे में हम और बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू टेक माय पैन, इसको रखेंगे अच्छे से और देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले तो जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे, जैसे कॉर्न बहुत अच्छा जाता है चीज़ के साथ, वैसे ही अनियन होता है हमारे पास जो बहुत अच्छा लगता है चीज़ के साथ। वी हैव सम कैरेट्स, कैरेट्स आर परफेक्टली ऑप्शनल, अगर आपको इच्छा नहीं है तो आप कैरेट्स को स्किप कर सकते हैं। अगेन द सेम थिंग बीट रूट, बीट रूट इज एक्सेलेंट सोर्स ऑफ ऑल द वाइटामिन एंड न्यूट्रिएंट्स, लेकिन अगर आपको स्किप करना है तो आप इसको डेफिनेटली कर सकते हैं, सो डोंट वरी अबाउट इट, राइट। And then I've also taken some tomatoes and green chili because भाई हम लोग इंडिया से तो हमें तो स्पाइसी बहुत पसंद होता है, सो वॉट विल डू टूडे इज विल ट्राई टू क्रिएट समथिंग वेरी स्पाइसी, राइट। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, कढ़ाई को तो हमारा लो फ्लेम पे रख दिया है, ये जो हमारा टमेटो है इसको थोड़ा सा आप रफली चॉप कर लेंगे, कोई इशू नहीं है इसमें, बिकॉज ये आखिर में जाके स्टर फ्राई होने वाला है, सो इसका एकदम बहुत फाइनली चॉप होना नेसेसरी नहीं है। I've washed all my vegetables, तो इसके वजह से कोई इशू नहीं है। एंड टमेटो अगेन इज एन ऑप्शनल थिंग, क्योंकि क्या होता है बहुत लोगों को थोड़ी गीली रेसिपी पसंद नहीं होती है, बट टमेटो मुझे पर्सनली क्यों पसंद है, बिकॉज इसकी जो फिलिंग बनती है इट्स वेरी टेस्टी। तो देखिए यहाँ पे अच्छे से टमाटर को मैंने काट लिया है, आप सब लोगों को अगर मेरी आवाज़ अच्छे से आ रही है तो प्लीज़ कमेंट कि अच्छे से आवाज़ आ रही है, बिकॉज आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल कंप्लेंट कि उनको अच्छे से आवाज़ नहीं आती, तो इसमें मैं एक बार आपको पूछ रहा हूँ, प्लीज़ मेक श्योर कि आपको आवाज़ अच्छे से आ रही है। देखिए ये जो हमारी कढ़ाई है इसमें थोड़ा सा सबसे पहले तेल डालेंगे, बिफोर वी एड आवर फेवरेट अमूल लाइट बटर। अमूल का देखिए बटर सिर्फ हमारा नॉर्मल अमूल बटर नहीं होता है, अमूल लाइट बटर भी जो होता है, एक्सेलेंट सोर्स, एक्सेलेंट टेस्ट, आपकी टेस्ट बिल्कुल चेंज नहीं होगी इसमें। इसमें थोड़ा सा तेल में, तेल जैसे ही गर्म हो जाता है आई विल ऐड माय बटर इनटू दिस।
देखिए डायरेक्टली बटर डालने का रेपरकेशन क्या होते हैं आपको तो पता ही है क्या होता है। जनरली बटर बहुत जल्दी बर्न हो जाता है और वो ब्राउन हो जाता है ज़्यादा एक्स्ट्रा ज़्यादा वो जल गया तो, और वो ब्राउनिंग मतलब जो बटर होता है ना वो थोड़ा ज़्यादा कैरमलाइज होता है तो एक टेस्ट उसकी थोड़ी बदल जाती है। सो वी डोंट वांट दैट, सो व्हाट आई हैव डन इज कि इसको बस थोड़ा सा बटर को अच्छे से मेल्ट होने दिया, पहले तेल ऐड कर लिया, नाउ आई एम एडिंग श्रेडेड अनियन जो मेरे अनियन लिया है उसको ऐड करूँगा इसमें, अनियंस को थोड़ा सा हम लोग स्टर फ्राई कर लेंगे, उसके बाद टमेटो ऐड कर रहा हूँ मैं, कॉर्न और बीटरूट जो है हमारे उनको मैं थोड़ा सा लेटर स्टेज पे ऐड करूँगा क्योंकि क्या होता है कि सबसे पहले तो अनियन को टाइम लगेगा और टमाटर जो मुझे चाहिए वो टमाटर थोड़ा सा गला हुआ टमाटर चाहिए। सो व्हाट आई ट्राई टू डू इज कि पहले इन दोनों को कुक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे से हमारा जो अनियन है वो कुक भी हो रहा है, थोड़ा ब्राउनिंग भी हो रहा है इसका, हमें इसी स्टेज पे उसको रखना है और उसको और थोड़ा सा अच्छे से कुक होने देंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग क्या करने वाले बेसिकली आपको एक मैं सरप्राइज जो भी होता है हमारा वो बताता हूँ कि उसको कैसे हमें इनकॉर्पोरेट करना है हमारे रेसिपी के साथ है। तो अनियन को थोड़ा सा आप खोने देंगे, मीनवाइल जस्ट ऐड अ लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट नॉट ओनली हेल्प इन द टेस्ट लेकिन इसको थोड़ा गलाने में भी हेल्प कर देगा। तो ये अपना मॉइस्चर फटाफट लूज करेंगे एंड देन व्हाट विल हैव इज अ परफेक्टली कैरमलाइज्ड अनियन एंड परफेक्टली कुक टमेटो। देखिए ये प्रेप अगर आपने करके रखा और पटेटो मान लीजिए आप पूरे 10-15 पटेटो को अच्छे से ऑलरेडी प्री बॉइल करके रखेंगे तो अगली स्टेप आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी एंड दिस वुड बी अ परफेक्ट अकम्पनीमेंट फॉर योर फाइन डाइनिंग डिनर। आपके घर में अगर कोई फैमिली फ्रेंड्स आ रहे हैं परफेक्ट अरेंजमेंट, इवन इफ यू हैव अ मूवी नाइट विद योर फ्रेंड्स अगेन अ परफेक्ट अरेंजमेंट। दिस डिश इज गोइंग टू बी चीजी फुल ऑफ फ्लेवर्स एंड रेस्ट अश्योर्ड पीपल वुड बी प्रेजिंग योर रेसिपी फॉर एवर। I'm adding some corn into this. Some beetroot. Beetroot वैसे तो कच्चा भी बहुत अच्छा लगता है, कुक हो जाए फिर भी अच्छा लगेगा डेफिनेटली। इसको इन सब इंग्रीडियंट्स को इनकॉर्पोरेट अच्छे से कर लेंगे हम लोग। अब इसमें मैं ओरेगानो डाल सकता हूँ, ओरेगानो इज परफेक्टली ऑल्सो ऑप्शनल, ओरेगानो प्रोवाइड्स अ वेरी गुड टेस्ट तो मैं ओरेगानो ऐड करूंगा, बट देन व्हाट आई विल नॉट ऐड इज चिली फ्लेक्स बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हैं आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड परफेक्ट ब्लेंड ऑफ चिली ऑयल, इट्स एन ऑयल विच इज इन्फ्यूज्ड विद ऑल द गार्लिक अरोमा एंड एवरीथिंग एल्स। इसको आप थोड़ा सा अच्छे से स्टर कर देंगे। मोर देन 150 पीपल आर लाइव राइट नाउ, 170। दैट्स अमेजिंग, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, आप लोग ज्वाइन करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए मैंने आपको चिली ऑयल दिखा दिया कि चिली ऑयल भी हमने बना के रखा है, ठीक है। देखिए ये सब वेजिटेबल्स अच्छे से स्टर फ्राई हो गई है हमारी, इसको रखेंगे थोड़ा सा साइड में, ये बहुत गर्म है तो इसको मैं प्लास्टिक में निकालूंगा नहीं बिकॉज प्लास्टिक इज नॉट वेरी हेल्दी। इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए बाजू में रख देंगे। And meanwhile, what I'll do is, I'll also try to concoct a very beautiful mixture, जिसमें हम क्या करेंगे एक जो फिलिंग जाएगी हमारे पोटेटोज के साथ उसको बना लेंगे। So first of all, we'll start with some butter. थोड़ा बटर जाएगा इसमें, ठीक है। बटर आपके चॉइस के हिसाब से, आपको लाइट बटर नहीं चाहिए इट्स परफेक्टली फाइन, अगर है आपके पास लाइट बटर और आपको लगता है कि थोड़ा हेल्दी ऑप्शन आपको करने यू कैन यूज लाइट बटर एज वेल, टेस्ट में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज आफ्टर ऑल भाई हमारा अमूल का बटर है, बहुत टेस्टी बटर होता है। अब इसमें हम ऐड करेंगे सम मेयोनीज़,
मेयोनीज क्यों? तो मेयोनीज एक तो क्या होता है, एक अच्छा बाइंडिंग एजेंट भी है और प्लस वो चीज के साथ बहुत अच्छे से एक मिक्सचर हो जाता है उसका। ये मैंने श्रेडेड चीज लिया, हमारा जो अमूल का प्रोसेस चीज होता है उसको, तो इसको मैं इसमें डाल दूंगा। ये सब डालने के बाद जाएगा थोड़ा सा पीरी पीरी मसाला। इफ यू गाइस डोंट हैव पीरी पीरी मसाला यू कैन फील फ्री टू यूज अदर इंग्रेडिएंट। जैसे आपको अगर ओरेगानो ज्यादा चाहिए, थोड़ा इटालियन बेस बनाना है, तो यू कैन यूज दैट एज वेल। आई एम यूजिंग पीरी पीरी मसाला राइट। और इसको एक अच्छे से हम लोग ब्लेंड कर लेंगे अभी अच्छे से। अब ये हम जो कर रहे हैं इसमें क्या होगा, इसमें चीजी टेस्ट भी रहेगा, इसमें मेयोनीज के वजह से क्रीमीनेस भी रहेगा, एक बाइंडिंग एजेंट भी रहेगा, स्पाइसेस भी बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गया है इसमें, और अमूल का जो बटरी टेस्ट है बटर का वो भी है हमारे पास। हियर यू गाइस कैन सी, मैंने थोड़ा एक गरम वाला आलू लिया। ये मैंने आपको नॉर्मल पोटेटो दिखाया था, दिस इज अ बेक पोटेटो, जिसको अच्छे से बेक करके ठंडा करने को मैंने रखा था राइट। सो अभी हम असेंबली इसकी धीरे धीरे शुरू करते हैं। सो ऑन टू द प्लेटफॉर्म। देखिए यहां पे अगर आप देखेंगे तो जो हमारा मिक्सचर है जो अभी बनाया था चीज और मेयोनीज और प्लस बटर का, उसमें हम हमारी फ्रेशली जो सॉर्टेड वेजिटेबल्स हैं इनको ऐड करेंगे और इनको अच्छे से इनकॉर्पोरेट करेंगे, जिससे क्या होगा कि ये एक मिक्सचर बहुत टेस्टी बन जाएगा हमारा। मेक श्योर कि आप उसको अच्छे से स्क्रेप करके, यू यूज एवरी वेजिटेबल हियर, बहुत सुंदर टेस्ट आएगा आपका इसमें। द सिंपलेस्ट थिंग, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आप एक तो पाइपिंग बैग भी यूज कर सकते हैं बाद में जाके, अदरवाइज इसको थोड़ा सा स्पून से भी अगर आप डालेंगे इट इज परफेक्टली फाइन एज वेल। बिकॉज ये क्या होगा, इसके अंदर जो चीज़ है वो ऑटोमेटिकली मेल्ट हो जाएगा, मेयोनीज कुक हो जाएगा, प्लस बटर भी थोड़ा मेल्ट होके एक अच्छा एक स्मोकी अरोमा देगा। सो दिस आर मिक्सचर इज डन एंड वॉट आई डू इज कि अभी देखिए मेरा पोटेटो यहाँ पे है राइट। आई एम शोइंग यू ये पोटेटो जो है, अब इसको कैसे करेंगे हम लोग, तो इट्स अ वेरी बेसिक थिंग, यू कैन ऑल्सो यूज फॉइल अगर आपको फॉइल यूज करनी है, लेकिन मैं क्या करूँगा, देखिए परफेक्टली उसका जो सेंटर होता है, सेंटर के थोड़ा सा यहाँ से मैं इसको स्लिट कर रहा हूँ, बट वॉट आई ट्राई टू डू इज ये थोड़ी स्किन निकल भी जाए तो भी चलता है, इट इज नॉट अ प्रॉब्लम। इसको हम थोड़ा सा स्प्लिट कर लेंगे, ट्राई टू डू इट विथ योर हैंड्स, एंड अगर आपको बहुत ज़्यादा वेल कुक चाहिए तो आप इसको बहुत ज़्यादा देर तक भी कर सकते हैं। इसको सेमी स्लिट किया है जिससे ये पूरा सेपरेट ना हो जाए एक दूसरे से। व्हाट आई विल डू इज कि जैसे आप थोड़ा केयरफुली इसमें डालते हैं, जैसे आपका जब बेकिंग होता है तो जैसे आप इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से ऐड करते हैं केयरफुली, वैसे आप इंग्रेडिएंट्स को ऐड करेंगे इसमें। देयर वी गो, देखिए मेक श्योर कि आप इसको थोड़ा एक जो प्लेटफॉर्म होता है, जैसे मैं चॉपिंग बोर्ड का एक प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूँ, जिसमें क्या होता है कि अगर थोड़ा सा गिर जाता है आजू बाजू में तो स्टिल प्लेटिंग के टाइम पे इट वुड बी वेरी वेरी कन्वीनियंट अकॉर्डिंग टू यू। तो आप पहले इसको असेंबली अच्छे से कर लेंगे, मेक श्योर कि कहीं से बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली ज़्यादा लीक नहीं हो रहा हो ये राइट। और बाकी थोड़ा मेसी तो होगा भाई, बट इट्स अ कम्फर्ट फूड आफ्टर ऑल, तो थोड़ा सा मेसी चलता है हमें। मैं पूरा का पूरा ही डालूंगा, इतना ही डालूंगा जितना हमें रिक्वायरमेंट है, इसको फिनिश ऑफ करने के लिए बहुत कम, क्योंकि हमने ऑलरेडी सॉल्ट ऐड किया, तो मैं बहुत कम थोड़ा सा ऊपर से सॉल्ट डाल रहा हूँ, दैट्स इट। आई एम एडिंग सम चिली ऑयल अलोंग विद दिस, इफ यू रिक्वायर यू कैन ऑल्सो एड ग्रीन चिलीज, बट सिंस आई हैव चिली ऑयल तो एक काम करेंगे इसमें सिर्फ चिली ऑयल ही डालेंगे हम लोग।
चिली ऑयल का बहुत सुंदर टेस्ट आती है, बिकॉज इसमें सिर्फ चिलीज नहीं है, चिली फ्लेक्स नहीं है, ये इन्फ्यूज है विद गार्लिक, इन्फ्यूज है विद चिलीज। तो देखिए थोड़ा तो इसमें टेस्ट बनता है। आप तेल को थोड़ा कम लीजिए, बिकॉज आपको अगर ज़्यादा उसको बहुत फैटी नहीं बनाना है तो जस्ट ट्राई टू यूज चिली फ्लेक्स। इसको हम अच्छे से, थोड़ा मैसी होगा जैसे बर्गर मैसी होता है वैसे आप इसको लेंगे, विल एड इट इन टू द डिश। ठीक है, इसमें आप चाहे तो ऊपर से थोड़े चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं ऐड करेंगे। हमने ऑलरेडी बहुत सारा इसमें फैटी कंटेंट डाला है, सो आई विल नॉट ऐड मच मोर। थोड़ा सा डालेंगे, थोड़ा पीरी पीरी मसाला जाएगा इसके ऊपर। एंड अगेन दिस इज समथिंग विच इज सपोज टू बी अ वेरी हेल्दी एंड चीजी फूड। तो इसमें आपको कैसे है कि आपको एक परफेक्ट रेशियो आपके हिसाब से बनाना है, चीजी आपको कितना चाहिए उस हिसाब से, चाहे तो इसमें ज्यादा चीज भी डाल सकते हैं आप लोग, बट देन दिस इज हाउ इट शुड बी। इसके साथ आपको कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, यू डोंट रिक्वायर एनीथिंग। जस्ट डिग इट इन विद सम फोर्क, एक फोर्क ले लीजिए, अच्छे से डिग इन कीजिए, बहुत टेस्टी लगता है वो। देखिए ये इसमें आलू की जो हीट होती है ना, आलू की हीट ही आपके चीज को और हर चीज को अच्छे से कुक कर देती है। जैसे मैंने ऑलरेडी बोला था, आप चाहे अगर कि आप अगर बहुत फ्रोजन वाला चीज ले रहे हैं तो आप इसको माइक्रोवेव कर सकते हैं, आप इसको बेक भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन बहुत टेस्टी लगते हैं। तो इसको हम ऐसे सर्व करेंगे ना। ऐसे स्प्लिट हो गया परफेक्टली, उसको कोई हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, परफेक्ट 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 लीक हाउ इट शुड बी डन। तो आप इसको भी डेफिनेटली बना के देखिए। थैंक यू वेरी मच।